जीसस क्राइस्ट के जीवन से बहुत प्रेरणा मिलती है। मैंने अपने जीवन में, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, कॉलेज से निकलने के बाद मैंने टाटा स्टील में कुछ साल नौकरी करी। उसके बाद मैं टाटा स्टील से छुट्टी लेके नौकरी छोड़ के मदर टेरेसा के यहाँ काम करने चला गया। मुझे याद है वहां पे कलकत्ते में मदर टेरेसा के आश्रम थे, काली घाट में उनका एक आश्रम था। उस आश्रम में मैंने कई महीने काम किया। कलकत्ते में गरीबी बहुत ज्यादा है, तो कई भिखारी जो हैं वो सड़क के किनारे पड़े होते हैं, उनके बड़े बड़े घाव हो रहे होते हैं उनके शरीर में, और उन घाव के अंदर कीड़े मकोड़े चल रहे होते हैं। ऐसे लोगों को हम उठा के लाते थे, उनकी सेवा करते थे, उनको नहलाते थे, उनके दवा दारू करते थे, उनकी उनको खाना बनाते थे, उनके लिए खाना खिलाते थे। ये कई महीने तक मैंने उनके साथ सेवा की। उस वक्त ये पता चला कि गरीबों की सेवा करने से अंदर कितना आनंद मिलता है। जीसस क्राइस्ट के पूरे जीवन से यही सीखने को मिलता है। पूरा जीवन उन्होंने गरीब से गरीब लोगों की सेवा की है, निस्वार्थ भाव से। लोगों ने उनको खूब गालियां दी, लोगों ने उनको खूब गलत बातें कही, उन्होंने सबको माफ कर दिया। सोचो उनका अंतिम समय, उस दृश्य की परिकल्पना करो, अंतिम समय जब कुछ लोग उनको, उनके शरीर में कीले ठोक रहे हैं, उनके हाथ में कीले ठोक रहे हैं, उनके पैरों में कीले ठोक रहे हैं, उस वक्त वो प्रभु से पूरे प्यार भरे दिल से, उनके मन में प्यार छलकता है उन लोगों के लिए जो कीले ठोक रहे हैं उनको, और वो प्रभु से क्या इच्छा करते हैं, हे प्रभु इनको माफ कर दे, इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं। कि देखा आपने किस तरह से एक दिल्ली के सीएम जो कि अरविंद केजरीवाल, हमें बहुत गर्व हुआ कि उनके मुंह से परमेश्वर का वचन निकला। हम ये नहीं जानते कि वो परमेश्वर को कितना मानते हैं, परंतु हम ये जानते हैं कि उनमें ये ताकत है कि वो सबके सामने परमेश्वर का नाम ले सके। और यही हमारे लिए खुशी की बात है कि इस इंडिया में हमें जो लोग, जो मसीह भाइयों को सता रहे हैं, और जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं खड़ा, आप देखिए परमेश्वर की ताकत को कि इस भाई को परमेश्वर ने किस जगह ले आके खड़ा किया है। और यही नहीं, अभी इन्होंने और गवर्नमेंट बना ली है। तो मेरे भाई बहनों, ये गवर्नमेंट इन्हें नहीं, परमेश्वर ने इनके लिए बनाई है। परमेश्वर ने इन्हें नियुक्त किया है, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में काम करता है, वो हमें को चुनता है और हमें को बढ़ाता भी है, और ऐसे लोगों को जो हमें नीचे गिराते हैं उनके लिए तैयार भी करता है। तो मेरे भाई बहनों, इस भाई के साथ बहुत दुर्व्यवहार भी हुआ है। इस भाई ने, केजरीवाल जी ने मार तक खाई है रोडों पे, क्योंकि उन्होंने जो वचन बोला है संपूर्ण हृदय से उनने वचन को माना भी है। आपने सुना होगा उनके विषय में कि उन्होंने कई दफ़ा अपनी बेइज्जती सही है, क्योंकि उन्होंने वचन को कहा है कि जब यीशु मसीह ने क्रूस पर भी अपने जान देते वक्त भी उनको माफ़ कर दिया, तो उस वचन को उन्होंने माना है। इसलिए हम उनको दिल से धन्यवाद करते हैं, और सबका धन्यवाद करते हैं जो केजरीवाल सरकार को सपोर्ट करती है। और हम चाहते हैं कि आगे बढ़े और परमेश्वर के वचन को फैलाएं और परमेश्वर के कदमों पर चले, और हम जैसे लोगों को और आप जैसे लोगों को उत्साह बढ़ जाए, और परमेश्वर सबको आशीष दे। वो जय मसीह की।